लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा यूपी के ऊपर संकट मंडराने लगा है। इसी कड़ी में आगरा में टिड्डी दल पहुंच चुका है। पाक से टिड्डियों के दल ने ताजनगरी पर हमला बोल दिया। सोमवार रात से शहर के ऊपर टिड्डी दल मंडरा रहा है। मंगलवार की प्रातःकाल शहर में टिड्डी दल पर कीटनाशक छिड़काव के लिए ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में भी कृषि विभाग की टीमें तैनात गई हैं। उपनिदेशक कृषि एसएन सिंह ने बताया कि 60% से अधिक टिड्डियों की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने बताया कि टिड्डी दल पर कीटनाशक छिड़काव के लिए ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है। वहीं बड़ी बड़ी टिड्डियों को देखकर लोग दहशत में आ गए। बताया जा रहा है कि से टूंडला होते हुए टिड्डी दल ने एतमादपुर में प्रवेश किया। यहां से होते हुए नुनिहाई रामबाग से टिड्डियां भिन्न भिन्न जोन में बंट गईं। छोटे छोटे दल विजयनगर, वजीरपुरा, संजय क्लेस, पीर कल्याणी, गधापाड़ा, एमजी रोड तक फैल गई है। एक तरफ ऊपर से टिड्डी दल का आक्रमण, इस डबल अटैक से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। ऑफिसर दिन रात से इस आफत से निपटने के लिए जुटे हुए हैं। किसानों को आगाह किया जा रहा है। जिले में कई स्थान कीटनाशक मशीनों के साथ टीमें तैनात कर दी गई हैं। बता दें कि टिड्डी की तीन अवस्थाएं होती हैं, जिसमें से वयस्क टिड्डी बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। टिड्डी दल दिन के समय सूर्य की चमकीली लाइट में उड़ते रहते हैं, लेकिन शाम होने पर झाड़ियों व पेड़ों पर आराम करने के लिए नीचे उतर जाते हैं व वहीं पर रात गुजारते हैं। टिड्डी दल सूरज डूबने से दिन निकलने तक पेड़ पौधों पर आश्रय लेते हैं। ऐसे प्रभावित क्षेत्रों में कृषि रक्षा रसायनों का छिड़काव ट्रैक्टर माउंट स्प्रेयर, अग्निशमन विभाग की गाड़ियों के साथ साथ निप्स एक स्प्रेयर से किया जा रहा है। इन रसायनों के छिड़काव का रात के समय कराया जाता है।